दोस्तों, मैं नीता आप सभी का स्वागत करती हूँ नीता इन द किचन में। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी पकोड़ा। तो इसको बनाने में 5 मिनट का समय लगता है और एकदम मज़ेदार बनती है ये। तो आप देख सकते हैं पकोड़ा भी कितना सॉफ्ट है। इसके पीछे कुछ सीक्रेट है जिसको जानने के लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहले पकौड़े बना लेते हैं। एक बोल में लेंगे 1/2 कप बेसन, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थिक बैटर बना लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं इतना थिक आपको बनाना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच बेकिंग सोडा। इसको डालने से ना पकौड़ी एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं। तो बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसको बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गरम कर लिया है, तो गरम तेल में छोटे छोटे पकौड़े डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं पकौड़े डालते ही कितने अच्छे से फूल रहे हैं ना। एक मिनट के बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे। पकौड़े बनाते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। इसको थोड़ी थोड़ी देर में फ्लिप करते रहेंगे और हल्का ब्राउन होते ही इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी के पकौड़े भी बना लेंगे। और ब्राउन होते ही इसको भी निकाल लेंगे। मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ कितने जालीदार बने हैं पकौड़े। जब आप इसे कढ़ी में डालेंगे तो कढ़ी को पीकर ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आप कढ़ी के लिए एक बड़े बोल में लेंगे 4 टेबल स्पून बेसन, 1/2 कटोरी दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। मैंने इसमें एकदम फ्रेश दही यूज़ किया है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है। अगर आपको खट्टा दही पसंद है तो आप खट्टा डाल सकते हैं। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर। सबको बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको तीखा कढ़ी पसंद है तो इसमें लाल मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर पानी डालकर पतला बैटर बना लेंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है। अब कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था उसी में डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता, 2 हरी मिर्च जिसको मैंने तोड़ कर डाला है, 1/4 टीस्पून हींग। जीरा जैसे तड़क जाए वैसे ही उसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालकर लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। कढ़ी में हींग जरूर डालें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो प्याज भी ब्राउन हो चुका है। अब कढ़ी वाला जो बैटर मैंने बना के रखा था ना, उन सबको कढ़ाई में सारा बैटर एक साथ डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। तो कोई झंझट नहीं है, ज्यादा उबालना नहीं है, घोटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बिना कुछ ज्यादा मेहनत के ही ये वाला कढ़ी बनके तैयार हो जाता है और खाने में एकदम मजेदार लगता है। यहीं पर हम नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसे लगातार चलाते रहेंगे, वरना बैटर तले में चिपक जाएगा। यकीन मानिए, इस कढ़ी को आप एक बार बनाएंगे तो बाकी सभी कढ़ी की रेसिपी को भूल जाएंगे और बार बार इसी को बनाकर खाएंगे। एक उबाल आने पर फिर से चला लेंगे। और जैसे ही इसमें दोबारा से उबाल आए, पकौड़ों को डालकर अच्छे से कढ़ी के साथ उसको मिक्स कर देंगे। और फिर से जब पकौड़े डालने के बाद उबाल आए, आप देख सकते हैं चारों तरफ से बॉयल आने लगा है।
तो अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब तड़का पैन में डालेंगे एक चम्मच देसी घी, जीरा, थोड़ी सी हींग, एक सूखी लाल मिर्च, और जैसे जीरा का कलर चेंज हो गैस को हम कर देंगे ऑफ। फिर हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे और कढ़ी के ऊपर तड़के को डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि पकौड़े कढ़ी को अच्छे से पीकर फूलकर बड़े हो जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो सुपर टेस्टी कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ी वाले पकौड़े भी कितने सॉफ्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कढ़ी बनाइए, बहुत ही मज़ेदार और जल्दी बन जाता है। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीता इन द किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे सभी आने वाले नए रेसिपी को ट्राई करने का मौका सबसे पहले आपको मिले। फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।